transformation 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 yes friends i have experienced a very big transformation and i have seen a very big transformation in my life what i'm saying i have experienced and i have seen i will show you with a proof how i have transformed you want to see so be tuned at the end of this video and you know very well i always love to say love to repeat for you and to my transformation also Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for big transformation. Thank you, God, for my happiness family, for your precious love, time, and your blessings that you always shower on my happiness. I heartiest respect you all. I heartiest respect every human being because human being is the excellent creation of Creator. So respect yourself, respect every human being, and serve the real happiness and serve the real love vibration to each other because with that, we can create my happy universe along with my happy universe shalini one so be tuned and if you are watching me first time what is your responsibility yeah i know definitely you are going to subscribe but just keep smiling your face and be gratified for yourself and be gratified for your look because i have something new something unique something very realistic with you to share with you my personal experience how we can transform ourselves with the attitude of gratitude with the attitude of positivity so be tuned and let's start the thank you series I love to start with thank you thank you thank you so friends we are just continuing with the thank you series and see thank you make us humble जैसे कि मैंने आपके साथ बात की कि जब हम धन्यवाद करते हैं thank you को मतलब मैंने तीन चीजें बताईं आपको थैंक यू कहीं ना कहीं हमारी इंटेंशंस हमारी फीलिंग्स एंड सेटिस्फैक्शन तो कहीं ना कहीं जब ना ये चीज़ें होती हैं तो ना इनरली हम हम्बल हो जाते हैं हम्बल मतलब दीनता हम में दीनता आ जाती है वो अहोभाव धन्य भाव हमारे अंदर आ जाता है वो किस तरह का होता है क्योंकि मैं आज इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बहुत ही धन्य हूँ थैंकफुल हूँ फ्रेंड्स आई हटियस रिस्पेक्ट यू ऑल मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करने के साथ साथ आपको वो चीज़ें भी दिखाना चाहती हूँ जो कुछ हमने देख ली हैं हो सकता है यूनिवर्स में बहुत तरह तरह के लोग हैं वाइब्रेशन है सोचने समझने की क्षमताएं और शक्तियाँ हैं सबकी एंड आई रिस्पेक्ट एवरी लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ और अपनी रियलिटीज़ आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगी ताकि हम एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बने क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से लोग जो होते हैं ना अपने आप को लेकर बहुत लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो कभी भी हमें अपने आप को ना कम नहीं आंकना चाहिए हम बहुत यूनिक है हम बहुत प्रीशियस है भाई फैमिली के लिए तो होते ही है ना लेकिन सबसे पहले अपने आप को खुद अपनी वैल्यू बताइए कि आप सच में कितने वैल्यूफुल हैं और डेफिनेटली आपके साथ वो चीज़ें भी बताऊंगी क्योंकि वो जो एग्जाम्पल है ना आज मुझे लगता है आज के टॉपिक के साथ इतना रेजोनेट करने वाला है और आपको भी लगेगा कि सचमुच ही कि शालिनी मैम आप जो बताते हो बिल्कुल सही बात बताते हो और हम माई हैपीनर्स आपके लिए लाते ही वो चीजें हैं जो देखी सुनी समझी और विद प्रूफ हो और प्रूफ हो तो सबको ही तो पसंद आती हैं वो तो है वो बातें तो बने रहिए आप देखिए फ्रेंड्स यहां पे मैंने लिखा है सॉरी क्या हम्बलनेस का मतलब सॉरी है सॉरी का मतलब क्या है सॉरी का मतलब ये कि जब हम बार बार सॉरी कहते या फिर सॉरी वो जिसे हम गलती समझें और कभी भी ना करें एक्चुअली मैं सॉरी इज अ वन कमिटमेंट जो हम अपने आप से करते हैं कि हम कभी भी वो चीज़ को दोबारा नहीं करेंगे अगर हमसे सम टाइम वो चीज़ जानबूझकर हो गई है दैट्स वॉट सॉरी तो सॉरी के कंसेप्ट को भी करेंगे आगे तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ फील हम्बलनेस मतलब कि दीनता महसूस करें किस तरह की दिन था फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक रोस्टर बनाया है मैंने आपको पहले भी बताया और फ्रेंड्स हमारे क्रिएटर ने ना हम ह्यूमन बींग्स को जो कुछ मैंने समझा है मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आया कि हम सबको ना कुछ इसी रोटेशन प्लान में ना गॉड ने या क्रिएटर ने नेचर ने हमें बनाया हुआ है कैसे एग्जाम्पल फ्रेंड्स हम सब ह्यूमन बींग्स हैं हमारे अंदर सबके अंदर डी एन ए अगर मैं बुकिश बायोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बात करूँ तो हमारे अंदर डी एन ए होता है न्यू हमारे अंदर मतलब डी ऑक्सीराइड वो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारे अंदर जीन्स होती हैं वही हमारी फैमिली जीन्स हमें आगे जाके मिल जाती हैं अगर साइंटिफिकली बात करें हमारे अंदर ब्लड है ब्लड ग्रुप्स है एसेट्रा 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 और अगर कुछ और बात करें तो थोड़ा जा अगर स्परिचुअलिटी में बात की जाए तो भाई हम सबको भगवान ने अपने हाथों में बनाया है अपनी इमेज में बनाया हम सबको बहुत अच्छे से बनाया है और समवेयर हम सबसे बेस्ट एक्सीलेंट शन है वही पेड़ पौधे बनाए गए हैं पशु पक्षी सब कुछ बनाए गए ना तो कहीं कही ना कहीं जो ह्यूमन बींग है ह्यूमन बींग इज अ सोशल एनिमल सामाजिक पशु है है हाँ ना ऐसा ही कहा ऐसी ही हिंदी बन रही है ना इसकी तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फ्रेंड्स वन टू थ्री फोर और फ्रेंड्स आप देखिए कि ये रोस्टर मैंने कितने दिमाग से बनाया आपके लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वन के सामने वन आ रहा है अगर आप देखिए ये एरोस वन के सामने वन देखो टू के सामने टू थ्री के सामने टू मतलब आपके बोलने अगर आप कंक्लूजनली देखें ना तो वन टू थ्री फोर फाइव मतलब कि फ्रेंड्स देखिए हर एक एक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो है वो फोर की बारी नहीं आई है मतलब सबको इक्वालिटी आई है अगर जी तो इक्वल है सीक्वेंस जो है वो इक्वल है ऐसा ही रोस्टर हम ह्यूमन बींग्स का है हम ह्यूमन बींग्स को कहीं ना कहीं सब कुछ ही क्रिएटर ने जो है वो इक्वली डिवाइड किया गया है हमारे लिए हर चीज़ की टाइमिंग है हमारे लिए हर चीज किसी इंसान का बेनिफिट हमारे लिए प्रॉफिट होता है ये बहुत कन्फर्म्ड बात है आपने बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस देखी होंगी फ्रेंड्स खुशी गम अगर कोई खुश है तो कोई गम में है किसी को कुछ मिल रहा है कोई खो रहा है खो नहीं रहा एक्चुअली में कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं एक सर्विंग हो जाती है वो और सर्विंग सीरीज़ के लिए बने रहना थैंक यू के बाद इसके बाद मैं बताऊँ आपको वाई हम्बलनेस नॉट टू ऑल एंड हाउ टू हम्बल अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मैं इस क्वेश्चन में इस रोस्टर की बात क्यों कर रही हूँ हम्बलनेस कहीं ना कहीं हम एक्सेस में किन लोगों के आगे दिखा देते हैं और हम्बलनेस एक्चुअली में दीनता है क्या हमें दीन किसके आगे होना है फ्रेंड्स हमें हम्बलनेस और जो चमचागिरी और हम्बलनेस दोनों ही बहुत अलग अलग एस्पेक्ट है आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हो अपनी लाइफ में फ्रेंड्स हम्बलनेस जब हम कहीं भी दीनता किसी के प्रति अगर आपकी कोई हेल्प करता है आप दिल से उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं आप फील करते हैं कि यस डेफिनेटली दैट पर्सन है हैल्प्ड मी चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकता है कोई भी कुछ भी चीज़ हो सकती है एग्जाम्पल अगर मैं इस पेड़ की बात करूँ और इस पेड़ से मुझे छाया मिल रही है या मुझे हवा मिल रही है देन समवेयर वी आर हम्बल एंड थैंकफुल जब हम थैंकफुल होते है तो कहीं ना कहीं हम हम्बल हो जाते हैं हम दीन हो जाते हैं कि यार सच में आपकी वजह से मुझे ये चीज मिल रही है तो जैसे कि इस प्लांट से हमें हवा मिल रही है ऑक्सीजन मिल रही है या गर्मियों के टाइम हमें छाया मिलेगी तो कहीं ना कहीं हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं ठीक है अब अगली बात नॉट टू ऑल हम हमें कहाँ हम्बल नहीं होना भाई डेफिनेटली ये लॉ ऑफ नेचर है जो इंसान कभी भी थैंकफुल नहीं होगा उसको कभी भी हम्बलनेस हम नहीं दिखा सकते मुंह से थैंक यू बोलना और दिल से और आत्मा से दीन में होकर किसी चीज़ के लिए संतुष्टता अहोभाव धन्यवाद फील करना इट्स अ बिग डील और उसे फील करने के लिए हमें बहुत अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है जितना कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे समझ आया है हो सकता है आपने हमसे देखो एंड आई रिस्पेक्ट यू फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट ठीक है सो फ्रेंड्स हम हाउ रिस्पेक्टर हम्बल हो सकते हैं ऑनेस्टी के साथ मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे हम्बलनेस के फर्स्ट टच को उठाया तो मैंने इसको स्टैंड आउट किया इसको एब्रीवेट करू इसके फर्स्ट वर्ड को ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी क्या ईमानदारी हो सकती है हमारी जाननी आपको वो ईमानदारी मैं आपको आज ईमानदारी के साथ एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ कि सचमुच ही जब हम दीन होते हैं जब हम थैंकफुल होते हैं तो हमारी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट यू नेवर इवन एक्सपेक्ट बट ये सच है और मैं आपको दिखाऊंगी वो सच क्या है तो वेट फॉर अ मिनट सॉरी सेकेंड फ्रेंड्स आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट माई गॉड फॉर द क्रिएशन ऑफ माई सेल्फ एंड फॉर द क्रिएशन ऑफ योर सेल्फ फॉर योर फैमिली एंड माई हैप्पी यूनिवर्स सो फ्रेंड्स ये कोई मजाक नहीं है लेकिन हाँ ये चीज़ मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि हो सकता है आप में से लोग जो हों वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हों आप सोचते हो यार शायद मेरी तो लुक कभी चेंज नहीं हो सकती और फ्रेंड्स इसमें कोई घमंड नहीं है अच्छा दिखना हमारा मूल अधिकार है कहीं ना कहीं क्रिएटर ने हमें बॉडी में बनाया है हमें ह्यूमन बींग की क्रिएशन में बनाया तो भाई सबको कहीं ना कहीं गिफ्ट के साथ ही बनाया है हर एक के अंदर कोई ना कोई ब्यूटी है बस फ्रेंड्स हमें अपनी किसी भी चीज़ का कभी प्राउड नहीं करना है हम जो कुछ है विद गॉड्स ग्रेस है और आप मेरे वर्ड्स को हमेशा ही सुनते हैं सो आई रिस्पेक्ट यू ऑल एंड आई रिस्पेक्ट माय एग्जिस्टेंस एंड आई लव माय सेल्फ अलॉट और मैं आपके रिस्पेक्ट के साथ साथ क्रिएटर की रिस्पेक्ट इसलिए बहुत दिल से करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम एक दूसरे के होने की इज्जत करते हैं तो वी आर रिस्पेक्टिंग द क्रिएटर सो फ्रेंड्स ये है मेरी फोटो आज से दस साल पहले की आप देख सकते हैं अब इस जगह मैं हूँ एटीन ईयर्स एंड नाउ आई एम ट्वेंटी नाइन ईयर्स अडल्ट मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज़ में आपसे छुपाने की या किसी चीज़ की क्योंकि फ्रेंड्स सच बताना ही माई हैप्पी यूनिवर्स का काम है आपके लिए हम अपने आप को कितना थैंक के साथ जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ये मेरी 2010 की फ़ोटो है जब मैंने एडमिशन लिया था अपने स्टडी टाइम में अगर आपको मैं और नज़दीक से दिखाऊं दिस इज़ मी और आप कैसे मुझे शायद पहचान पाएंगे शायद मेरी आइज़ ही है जो आपको दिख जाएंगी यहाँ से सी आईज़ तो भाई दिखी जाएंगी ना आपको मतलब अगर मैं कहूँ ये आज से दस साल पहले की फ़ोटो है एंड टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गॉड और दिस बिग ट्रांसफॉर्मेशन 2010 से लेकर और 2021 मतलब कि एलेवेंथ ईयर अगर चल रहा है तो फ्रेंड्स इट्स अ बिग एंड ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है एक्चुअली फ्रेंड्स हम घर पे लाड प्यार में बहुत ज़्यादा जो है वो पल जाते हैं हाँ फ्रेंड्स उस टाइम पे हमारी स्किन में बहुत सा ग्लो होता है बहुत से लेकिन फ्रेंड्स हंस जाती हैं जब हम भी हम जॉब प्लेसेस में होते हैं स्टडी बर्डन्स में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे फेस के ऊपर भी थोड़े सा स्ट्रेस आ जाता है बट इन स्ट्रेस के ऊपर भी अवव उठकर जब हम अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफेक्टली कर लेते हैं देन इट विल बी अ ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम प्रूव कर देते हैं कि भगवान आपने हमें बनाकर बहुत अच्छी जो है इस दुनिया के लिए भलाई की है तो हम सब एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ जब भी मैंने आपको बताया दस साल पहले मैं बहुत ज़्यादा मेरा वेट जो था अराउंड सेवेंटी सिक्सटी एट यहाँ मेरा वेट था तो दो साल तक तो मैंने कभी मेरे को बहुत ज़्यादा आदत थी खाने की एक्स्ट्रा खाना या समर हो जाता है कि हम टाइम पास करने के लिए खाते हैं तो हॉस्टल में हॉस्टल का थोड़ा सा आपको पता है या घर के इन्वायरमेंट जैसा हमें नहीं मिलता बट फिर भी हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिली खाने की या वट खाना हमें बहुत अच्छा मिलता था लेकिन आफ्टर दैट फ्रेंड्स फिर भी घर से आने के बाद खाने में ज़्यादा ध्यान रहता था तो वेट मेरा घर से निकलने के बाद थोड़ा हॉस्टल में रहकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो गेन हो गया था वैना आई कम इंटू 2000 आई थिंक 12 में जब मैं आई मतलब जब मैंने सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया और मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में हुई उसके बाद फ्रेंड्स मैंने अपनी हेल्थ को हेल्थ के लिए सोचना स्टार्ट किया एंड हाउ आई गॉट कि मैंने अपने माइंड में एक प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे एक डिज़ायर वेट जो है वो चाहिए बट मेरे माइंड को इतना क्लियर नहीं था कि मुझे कितना डिज़ायर वेट चाहिए एंड मोर ओवर फ्रेंड्स बी एस सी नर्सिंग थर्ड ईयर से लेके आज तक मैंने कभी गर्म पानी मॉर्निंग में पीना नहीं छोड़ा फ्रेंड्स आप सोचते हैं आपको डाइटिंग ना करनी पड़े आप सोचते होंगे मुझे कोई नेचुरली ही ग्लो मेरे फेस पे मिले मुझे किसी तरह के कॉस्मेटिक्स यूज़ ना करना पड़े थैंक यू गॉड कि आज तक मैंने किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं यूज़ की पतले होने के लिए या कुछ भी हाँ गर्म पानी को अपनी रूटीन बनाया है और ये हमारे घर पे भी चलता है हमारी फ़ैमिली में सब मॉर्निंग में उठकर कर गर्म पानी पीते हैं इसीलिए हम वो चीज़ें तो कर सकते हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बी एस नर्सिंग थर्ड ईयर से लेके आज तक मैं मॉर्निंग में वन कप ऑफ हॉट कप या गिलास आप कह सकते हैं या कुछ भी गुनगुना पानी जो है मैं आज तक पीती हूँ और उसी के कारण जो है वो मेरा वेट आज तक कांस्टेंट है फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन या फिफ्टी एट इसके बीच में ही रहता है सो थैंक यू गॉड फॉर दिस बिग ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब ये नहीं था कि हमने इसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लेकिन हाँ फ्रेंड्स ये बड़ी ऑनेस्टली की बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि फ्रेंड्स मैंने कभी भी कोई जिम नहीं किया कोई इस तरह का कोई आ, अगर जिम एक बार कर भी ले तो उसमें भी फंक्शन uh, में अगर एक आधी बार किया हो लेकिन एज सच अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए कोई भी ऐसे एफर्ट्स नहीं किए जस्ट आई हैव मेक अ गुड रूटीन जिसके लिए मैंने सिर्फ गर्म पानी को अपनी रूटीन में ऐड किया हाँ मैं जब भी जैसे सर्दियाँ होती थी, थी तो भी रात को जैसे सोने से पहले गर्म पानी पी लेती लेकिन अर्ली मॉर्निंग खाली पेट हमेशा ही मैंने गर्म पानी पिया जिसको मैंने कभी भी स्किप आउट नहीं किया और हाँ अब अगर मैं आपके साथ प्रेजेंटली अपनी बात करूँ तो फ्रेंड्स मैंने अभी रिसेंटली ही अपना फोर टू फाइव के वेट जो है वो रिड्यूस किया एंड विदाउट एनी डाइटिंग बिना किसी खाने को स्किप किए एंड मोर ओवर इट्स बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटिट्यूड थैंक यू और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि वॉक करूँ और वॉक करने की टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि पेट को अंदर करके किस तरीके से करना है एंड बड़ी जल्दी मैं और भी ज़्यादा जो है आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टेक्निक्स बहुत कुछ बताऊँगी बहुत से ऐसे ब्यूटी सीक्रेट्स भी बताऊँगी कि एक्चुअली में हम जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो हम किस तरह से जो है वो यंग दिख सकते हैं अपनी लुक्स में हर चीज़ में क्योंकि फ्रेंड्स हमारे बॉडी माइंड स्पिरिट जब हम स्पिरिट लेवल पर होते हैं तो हम बॉडी में भी उतने ही निखर कर बाहर आते हैं अपने माइंड में भी उतनी तरह निखर कर बाहर आते हैं सो बी ट्यून फॉर ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन तो चलो ना स्टार्ट कर दीजिए ना माई हाथ यूनिवर्स क्रिएट करना हमारे साथ इस बिग ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ताकि आपको भी समझ आए कि सचमुची चीजें बदलती है दुनिया में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है इंपॉसिबल तब तक है जब तक आप उसे इंपॉसिबल मानते हैं सो जस्ट बी थिंक एंड टाइट वंस देखना आपको जरूर कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो मिलेगा ही सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच आई होप कि आज की वीडियो को देखकर आपको अपने आप को लेकर ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा मेरा मोटिव इस फोटो को आपके साथ शेयर करने का यही था कि अगर आप सोचते हैं कि मुझे अपने आप से प्यार नहीं है आप अपने आप को कोसते हैं या आपको लगता है कि मैंने कभी ये नहीं होना है कभी भी मैंने चेंज नहीं होना है तो फ्रेंड्स नथिंग इज़ इम्पॉसिबल हार्डवर्क इज़ की टू द सक्सेस हार्डवर्क की टू द सक्सेस जो भी आप मानना चाहिए बोलना चाहे तो फ्रेंड्स हार्डवर्क के साथ साथ माइंड का यूज़ करना भी जरूरी है पॉजिटिव माइंड तब तक नहीं होगा जब तक आप बॉडी से दो घंटे भी जिम लगाएंगे लेकिन माइंड में जब तक क्लियर पिक्चर नहीं होगी कि मुझे क्या चाहिए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते एंड इट्स वेरी कन्फर्म्ड सो चलो स्टार्ट हो जाइए आज से ही लव योर सेल्फ एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड जस्ट थिंक कि आपको क्या बनना है और क्या चाहिए हम सब कुछ बन सकते हैं जो हम सोचते हैं बी ब्लेस्ड एंड टेक केयर एंड आई लव यू ऑल चाहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि माय हैप्पी हैप्पीवर्स फटाफट बने हम सबकी ब्लेसिंग से और हम दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बन जाएं बाय बाय टेक केयर